क्यों अपने स्पोर्ट बॉय से अपने जूते की लेस नहीं बंधवाते पवन सिंह? जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद पवन सिंह ने अपने लाइव चैट में किया है। और क्या पवन सिंह ने बोला है, आप पहले खुद सुन लीजिए। फिल्म उद्योग में, हर फिल्म इंडस्ट्री में सबका कहना होता है कि पवन सिंह की दो गलत बातें, एक कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं और अपने इर्द गिर्द गलत सलाहकार के चलते लोगों से बेवजह संबंध खराब कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में आप? पवन सिंह कान के कच्चे इसके लिए हैं, ये हमारी कमी कहिए निशांत भाई या खूबी कहिए, तो मेरी कमी कहिए या खूबी कहिए कि मैं इस धरती पे किसी को मालिक नहीं समझता हूं। जो भी मेरे पास आता है काम करने के लिए, मैं उसको बोलता हूं भाई ठीक है यार, रूम के बाहर सिस्टम है, सर बोलो या काम करो या एक गिलास पानी पिला दो। मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी देखे होंगे निशान जी, बिल्कुल देखो, लोग दिखावे के लिए एक गिलास पानी मांगता है, हेलो ये देखो कि हाँ मेरे पास भी स्पोर्ट बॉय है, लेकिन कोशिश करता हूं कि 100 में 95 बार मैं अपना जूता खुद से पहनू। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट बॉय जूता का फीता मांगे, नहीं, मुझे लगता है देखा हूं शूटिंग, जूता का फीता मेरा बॉय बांधेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है। तो मेरी कमी यही है या खूबी कहिए कि मैं किसी को भाई भाई बना लेता हूं, और भाई बना लिया और भाई बन के कोई काम मेरे पास बोलेगा कि भैया ये देखिए ना वैसे कर रहा है, तो मैं उस पर रिएक्शन देता हूँ, न कि कान का कच्चा हूँ कोई अनजान बोल दिया कि ये हो गया। मैं किसी अनजान का बात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ यार, मैं अपनों का बात सुनता हूँ और अपनों के लिए कान का कच्चा हूँ, जिसको अपना मानता हूँ उसके लिए कान का कच्चा हूँ। अब आप इसको जिस रूप में लें, बिल्कुल मैं नहीं, भैया लोग ले रहे हैं मुझे, मैं तो जानता हूँ आप मतलब आपको नहीं बोल रहा, जो लोग देखने वाले लोग, बिल्कुल। तो देखा आपने क्या रीजन बताया पवन सिंह ने। जी हाँ, आज भी पवन सिंह इतने बड़े स्टार होने के बावजूद अपने स्पोर्ट बॉय से अपने जूते का लेस इसलिए नहीं बंधवाते कि उनमें घमंड ना आ जाए, उनमें मैं ना आ जाए। इसके वजह से इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद पवन सिंह पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं कि वो कान के कच्चे हैं। तो भाई आपने इसका भी जवाब सुन लिया होगा, पवन सिंह अपनों की बात सुनकर उसमें फंस जाते हैं जब अपने ही उनसे धोखा करते हैं, ये रीज़न बताया पवन सिंह ने। तो यकीन है बहुत सारे लोग जो पवन सिंह के बारे में गलत सोचते हैं, गलत कहते हैं, पवन सिंह कान के कच्चे हैं, बेवजह हंगामा करते हैं, ये सारे लोग जिनके मन में कई सवाल थे पवन सिंह को लेकर, उसके लाइव चैट में निशांत के साथ सब कुछ क्लियर जरूर हो गया होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।